भैया चलो ना प्लीज। विक्की विक्की चाची चाची मैं कौन मंदार चाची ये फोटो नीम ने भेजी है तो पहले वाले की तरह ये नंबर भी ट्रेस हो सकता है ना मैं ट्राई करूं किसी दिन उस नीम नाम के न्यूसेंस का गला अपने हाथों से घोटूंगी एंड दैट मंदार बोला था अपने पिल्ले का हाथ बांध के रखे बट ही इज यूजलेस अब सब गड़बड़ हो गई हीरों के लिए खड़े हो जाएं आस पास तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे मादर हम सब यही है फोन था मंदार इडियट नहीं तो मार दूंगी तुझे कदे का बच्चा दूसरा फोन दिया था इमरजेंसी के लिए लेकिन वो भी अपने पास नहीं रखा है जैसे कुछ पता चलेगा बाय मैं जानता हूँ जगह का है मैं जानता हूँ हर साल मेरी कंपनी से इस मंदिर की तरफ में डोनेशन जाता है एक कीर्तन और भंडारे के लिए आई नो इट चाची जल्दी चलिए चल चलिए शिट इसको भी अभी पंचर होना था मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये आर्ची आज रात तुझे अपना बना लूंगा फिर सुबह शाम सिर्फ मेरा नाम लेके तू अब पता नहीं क्या होगा फिर से प्लान ना फ्लॉप हो जाए मुझे भी माँ पापा के साथ यहाँ पे गोल गोल घूमना मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा है ये नीव ये जो पूजा है ना सिर्फ माँ और पापा ही करेंगे अगर आप अपनी माँ की बात मानोगे ना तो पापा आपका मनपसंद खिलौना ला के देंगे ठीक है जाओ घूम लो गोल गोल बात है आरती बहुत परेशान नजर आ रही है नहीं चाची मैं तो बस सोचती थी कि सौर्या को महक मिल जाए बहुत परेशान है बेचारा ज्यादा परेशान मत हो सौर्या सब ठीक कर देगा
मैं भी यही चाहती हूँ। किसी दिन इस बुढ़िया को भी धकेल दूंगी किसी ट्रक के सामने। मैं आ रहा हूं मैक। ये पागल है क्या? मरना है क्या? अब बाकी के फेरों के लिए बदू आगे आए। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवान, अब सब तेरे हाथ में। शौर्य और महक और इम्तिहान मत लो, चाहे तो मेरी जान ले, मेरे बच्चों को मिलवा दो। मंदार, मेरा दिल घबरा रहा है, मत कर इतना बड़ा पाप। तू छोड़ मां। ये मौसम कैसे बदल गया? तुझे कैसे पता? तुझे पता के गई है या संदेश आया उसका? साजिश में शामिल है ना उसके साथ? पता कहाँ है वो? पागल हो गया क्या? मैं क्यों अपनी बहू को अगवा करवाऊंगी? क्योंकि तू जलती है मुझसे। पता वो कहाँ है? बेटा, मैं क्यों अपने पुत्र को जल पाऊंगी? अपने बेटे के साथ ऐसा करूंगी? सोच तो क्या बेहूती है यहाँ? आप हमारे साथ जरूर दोस्ती नहीं कर सकते, हमें जाने दीजिए। देखिए प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैक, मैक रुक जाओ, मैक, मैक। ये फोन कहाँ है मेरा? जल्दी से मां को ढूंढने चलते हैं।
तो खोले, अरे पाप का दुश्मन है तू, और तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुंडू बाप्पा, मुझे बच्चे बच्चे की जान लेगा क्या? कौन सी सनक में है तू? और इसको आदमी है, रोज बच्चे को मारते हैं ये? यहाँ तो हर रोज हाय तोमा मची रहती है। यहाँ क्या हो रहा है बहन जी? वही बदतमीज आदमी है, मार रहा है अपने बच्चे को, पता नहीं कैसा जानवर है। खोलो! बंद दरवाजा, खोल! काम नहीं है तुम लोगों को? हाँ, टिकट लगाओ तुम सबकी। जल्दी करो यहाँ से। क्या देख रहे हो यहाँ पे? चलो। तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां भी चटका दूंगा। सबके सब मेरा घर उजाड़ने में तुले हो। ओए तू इंसान है या शैतान? शर्म नहीं आती तुझे? अपने बच्चे को कोई इस तरह मारता है? अभी तो सिर्फ मारा। अभी तो उसकी जान लेनी बाकी है। अगर मैं अपने बेटे की जान ले सकता हूँ तो तुम लोगों का क्या हाल करूंगा मैं? आ रहा हूं, एक और हिसाब चुकता करके। लौटो। अरे जीजी, कछु खा पी लो, इसे खाली पेट बैठी रहोगी तो सर में दर्द हो जाएगा। डॉली, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चोरे क्या करेगा? जीजी आप अपना खून मत चलाओ, कांता बहन जी ने कही थी ना कि कुछ भी हुआ तो वो बताएंगी, फिर आप क्यों? मैं तो आर्ची, विकी, बेटा शौर्य कहाँ है? आज समीरों की लंका को आग लगा दूंगा। अरे जिका करे, रोको इसको, गार्ड! अरे पकड़ो, रोकी, पकड़ो इसको। इसको निकाल के ऐसे फेंको मत। बड़े घर के पढ़े लिखे रसूख वाले लोग दूसरे की बीवी को उठा रहे जबरदस्ती। वंदना, वंदना, बाहर आ वंदना। ए, चुप। ना तेरी कोई वंदना वंदना नहीं है, पर ज्यादा ड्रामे किए ना पुलिस में दे दूंगा तेरे को मैं। पुलिस में तो मैं जाऊंगा, मेरी बीवी अगवा हुई है। इस घर की एक एक औरत को उठा के लेके जाऊंगा। अगर मेरी बीवी वापस नहीं लौटाई तो तमीज में रह। तेरी औकात कैसे हुई? इस घर की औरतों के बारे में बात करने की? ज़बान खींच लूंगा मैं। छोड़ दे बेटा। ए शौर्य खन्ना, ए साले बहारा। भैया यहाँ नहीं है, फेंको उसको निकाल यहाँ से। ये हालत के दम पे मनमानी करते हो तुम लोग।
रहने दो चीची। Enough now. आवाज नीचे करके बात कर जाहिल आदमी। मेरी आवाज नहीं दबा सकते तुम लोग। पहले मेरी बीवी को लौटाओ, उसके बाद ही मेरी आवाज नीचे होगी। तो चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा सारे शहर को तुम लोगों की करतूत। सबको निकालो यहां से बाहर। फेंको उसको। अंदर आ। फेंको उसको उठा के। अरे नाथ पीटे ने सारे घर का सामान गिरा दिया। क्या हुआ जीजी, आप ठीक तो है ना? चिल्लाओगी ना, मैं फिर से तुम्हारा मुंह बांध दूंगा। वादा करो, वादा करो कि तुम नहीं चिल्लाओगे। देखो मैं, फिलहाल मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम इस हालत में नहीं आओ कि तुम कुछ समझ पाओ। लेकिन एक दिन आएगा महक, जब तुम सब समझ जाओगे, तब तक के लिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। महक, तुम एक बार मैं खो चुका हूँ, मैं दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसीलिए जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती ना, तुम यहीं रहोगे मेरी आंखों के सामने मेरे पास। जाने दीजिए, वरना हम चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लेंगे। तुम्हें कपड़े बदलने? तुम्हारे पुराने कपड़े ना अभी तक यहाँ पड़े, बोलो तो मैं निकाल देता। आपका दिमाग जगह पे है या नहीं? हम जो कह रहे हैं आपको सुनाई भी आ रहा है? हमें यहाँ से इसी वक्त जाना है, बात खत्म। तुमसे कौन सी जबरदस्ती कर रहा हूं जो तुम बचाओ बचाओ चिल्ला रही हो? यहां आकर बैठ जाओ, यहां कोई नहीं आने वाला। एक तुम्हें बिल्डिंग याद है क्या हमने पहला करवा चौथ बनाया था, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी ये बिल्डिंग मैंने खरीद ली। और जानती हो उस बिल्डिंग का क्या नाम रखा है? महक। हमारा नाम महक नहीं है। और जानती हो महक, ये बिल्डिंग भी ना
बिल्कुल मेरे दिल की तरह, जैसे मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो ना, बिल्कुल वैसे इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, सिर्फ तुम हो। मतलब तुमने ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली? यहाँ और कोई नहीं रहता? सोचा था जब ऋषिकेश से आऊंगा ना तो तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो कहानी तब अधूरी रह गई थी ना अब पूरी हो गई। कैसे समझाएं इस पागल को, मैं नहीं है।